Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session, we are going to see carbon nanotubes. Carbon nanotubes kya hote hain, unka structure, unke applications aur unke properties hum is lecture mein dekhenge. So, what are the carbon nanotubes? They are also known as Bucky tubes. Because if you know the Buckminster fullerin, that is carbon 60, फुलेरिन स्ट्रक्चर, उससे ये जो कार्बन नैनोट्यूब्स है वो बनते हैं. ओके, और दूसरा जो है इनका जो डायमीटर होता है कार्बन नैनोट्यूब्स का, दैट इज अबाउट 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर रेंज. दे आर आल्सो मेड अप ऑफ दी शीट्स ऑफ ग्राफीन रोल्ड इनटू सिलेंडर. मींस ग्राफीन और आप अगर बकी फुलेरिन का स्ट्रक्चर देखते हो तो उनका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका कार्बन नैनोट्यूब्स का होता है. तो ये जो होते हैं ये इंटरमीडिएट बिटवीन दी फुलेरिन एंड ग्राफीन. सो इफ यू सी द पिक्चर हियर, जैसे कि ये फुलेरिन का स्ट्रक्चर दिया है और ये आपका ग्राफीन का स्ट्रक्चर है. ग्राफीन इज ए सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट, जिसमें मल्टी लेयर नहीं होता है, सिर्फ एक ही लेयर हम कंसिडर करते हैं. तो इससे इनके कॉम्बिनेशन से आप कह सकते हैं कि कार्बन नैनोट्यूब्स बनते हैं. सो दिस कार्बन नैनोट्यूब्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे मे बी सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स या फिर मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स. आप अगर इनके शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो कार्बन वर्ड आपको नहीं लिखना है, दैट इज SWNT और MWNT. सो दीज आर दी टू टाइप्स. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कार्बन नैनोट्यूब्स? कार्बन नैनोट्यूब्स, ये इंक्रीज्ड प्रॉपर्टीज होती है इनकी, जैसे कि दे हैव रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, दे हैव यूजफुल एब्सॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज, एंड दे आर वेरी गुड थर्मल कंडक्टर्स. इसके साथ आप कह सकते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशंस जुड़े होते हैं, जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ होगी या फिर उनकी कैटालिटिक एक्टिविटीज होगी, इनके अनुसार हम उसके एप्लीकेशंस बताते हैं. जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड एज ए कंपोजिट इन अ फाइबर मॉलिक्यूल्स, या फिर पॉलीमर्स में हम इनका कंपोजिट यूज करते हैं. ओके, सो व्हाट इज दैट कंपोजिट मटेरियल? इट इज जस्ट अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड एज द कंपोजिट मटेरियल्स. कंपोजिट मटेरियल्स में हम कार्बन नैनोट्यूब्स यूज करते हैं बिकॉज टू इम्प्रूव द मैकेनिकल थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. देन they are also used in making the energy storage devices, kyunki abhi in future mein aap dekh sakte ho ke electric vehicles are there. Okay, so these carbon nanotubes are having very great application because of the increased electrical conductivity. They are used in next generation energy storage systems, ya fir capacitor se, super capacitor se, ya fir in the field of emission transistors, इसमें भी हम कार्बन नैनोट्यूब्स यूज करते हैं. सिमिलरली जैसे कि आपके पास फोल्डेबल शीट्स है, ओके, दैट आर हैविंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन द वॉल या फिर फ्लोर्स पे भी आप यूज कर सकते हैं. दैट फोल्डेबल शीट्स या फिर फ्लेक्सिबल शीट्स, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन नैनोट्यूब्स, बिकॉज इन दैट वी आर यूजिंग सम ऑफ द कार्बन नैनोट्यूब्स मटेरियल्स. देन टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कार्बन नैनोट्यूब्स का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली इम्प्रूविंग दी क्वालिटी, मीन्स यू कैन से दैट रीइन्फोर्स कॉन्क्रीट. जैसे कि कॉन्क्रीट में हम अलग अलग एडिटिव्स डालते हैं, इसलिए वैसे ही हम कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए कार्बन नैनोट्यूब्स यूज कर सकते हैं. Along with this, there are different applications of these carbon nanotubes. They are used in conductive adhesives, या फिर thermal materials में use होता है, structural applications होते हैं अलग अलग, fibers and fabrics में use होते हैं, जैसे कि composite materials है उसमें हम carbon nanotubes as a composite material use कर सकते हैं. Similarly, in biomedical applications, they are used in a large way. Then air and water filtration systems होती है, या फिर कैटालिटिक सपोर्ट, या फिर एज ए कैटलिस्ट भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि नैनो ट्यूब्स की हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
दैट इज दे हैव लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, इसकी वजह से ये जो नैनो पार्टिकल्स है दे आर यूज एज ए कैटलिस्ट एंड इन अ कैटलिस्ट सपोर्ट. सो इन दिस वे वी हैव सीन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस कार्बन नैनो ट्यूब्स. सो विद दिस वी स्टॉप हियर. फॉर सच इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन बटन. थैंक यू.